YouTube के अंदर जो कॉपीराइट क्लेम सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अटपटा सा है। कभी कभी समझ नहीं आता कि हम पे कॉपीराइट क्लेम क्यों आया है। अगर आया भी होता कहीं उसका लेजिट रीज़न नहीं होता, फिर काफ़ी बड़ी डिस्प्यूट फाइल करनी पड़ती है उसके अंदर। फिर होता है फेयर यूज़ वगैरह, अगर आपने किसी का कॉन्टेंट यूज़ किया फिर आप उसे फेयर यूज़ का नहीं यूज़ करो तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे यूज़ इस्तेमाल करते, पर अभी अभी YouTube ने अपने इस क्लेम सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हैं। ये किसी भी कंज्यूमर को कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, बट हम एज ए क्रिएटर्स के लिए काफ़ी बड़ी बात हो गया, फिर काफ़ी एक अच्छा फीचर होगा देखा जाए तो। फिर अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो और आपको जानना है कि अगला जो अभी कॉपीराइट क्लेम को लेके एक अगला अपडेट आने वाला है यूट्यूब के अंदर, जिसके कारण जिसकी मदद से हम यूट्यूबर्स थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, सिर्फ क्लेम की वजह से हमारे सारे वीडियो के पैसे नहीं चले जाएंगे क्योंकि हमने 2 सेकंड का टी सीरीज का गाना ले लिया था। फिर देखते रहो वीडियो को। या गाइस, मेरा नाम ऋषभ, आप लोग देख मेरे चैनल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट राइट इनटू इट। वो जो अगला फीचर आने वाला है रियलमी क्या कह रहा हूँ, रियलमी ने वैसे अपने फोन के ऊपर एड दिखाना शुरू कर दी, जस्ट लाइक शाओमी कॉपी कैट कह सकते हैं। बट हाँ, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं मुद्दे के बाद पे आते हैं YouTube। तो YouTube ने अभी अभी एक नया सिस्टम निकालने वाला है कॉपीराइट क्लेम्स को हटाने का वीडियो करने से। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि हमारी जो वीडियोस वगैरह होते थे तो उसमें हम गाने वगैरह यूज़ करते थे तो उस पर कॉपीराइट आ जाता था। जो भी गाने का जो एक्चुअल क्रिएटर था, अगर आपने उसे बिना परमिशन के लिए थे उस गाने को अपने वीडियो के लिए यूज़ किया था, फिर क्या होता है उससे, बेसिकली जो भी आपने वीडियो के लिए पैसा कमाया था वो आपको ना मिलके उस गाने वाले को मिलेगा। बने गाने की क्लिप 2 सेकंड की थी, 2 सेकंड की वजह से आपको $2,000 का तक का नुकसान है, उससे भी कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता था। बट फिर YouTube ने एक नया अपडेट दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप गाने की क्लिप को चेंज कर सकते हो किसी भी एक YouTube लाइब्रेरी वाले गाने के साथ जो कि नॉन कॉपीराइट होंगे। उसके बाद फिर जो अगला अब अपडेट आने वाला है YouTube के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गाने से ही हमारे वीडियोस के ऊपर क्लेम नहीं आते थे, उसके साथ साथ कई बार ऐसे विजुअल कंटेंट की वजह से भी क्लेम आ जाते थे। जैसे कि मुंबई का निखिल ने पापा ओकस की वीडियो को डाउन कर दिया था, वो वाली एक अलग कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता। उस पर अलग वीडियो बनाएगा एक अलग चैनल के ऊपर, वो टेक चैनल तो वो ये टेक टेक कॉन्टेंट तो है नहीं, ना ही वो उसका टेक से कोई लेना देना है। बट बेसिकली पापा को उसने मुंबई के निखिल के बारे में काफ़ी बड़े एक सच बताया था, और फिर उस वीडियो के अंदर उसने कई जगह मुंबई के निखिल के थोड़े बहुत व्लॉग्स के कट्स यूज कर लिए थे, क्लिप्स वगैरह। तो फिर मुंबई के निखिल ने उस कट्स और क्लिप्स को, भले ही वो कट्स और क्लिप्स फेयर यूज़ करने यूज़ हो रहे थे, उन्होंने उसकी वीडियो को पूरे डाउन कर दिया ताकि किसी को भी सच ना पता चले, ऑन द बेसिस कि उन्होंने उसके वो क्लिप्स वगैरह यूज़ किए। तो फिर अब YouTube कह रहे हैं कि आप वो क्लिप्स वगैरह भी रिप्लेस कर सकते हो, हटा सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, और चाहो तो किसी और क्लिप के साथ वहाँ पर आप कोई और क्लिप अपनी तरफ से लगा सकते हो जिसके ना वो बंदा ना हो। अब देखा जाए तो ये जो भी फीचर है अभी सिर्फ ट्रायल्स के ना चल रहा है, अभी तक इसका कोई पॉलिश वर्जन नहीं आया हमारे सामने, बेटा वर्जन के अंदर है ये। और लोग कह रहे हैं कि अभी इसके अंदर थोड़ा सा और जो मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा और इसको क्लीन करने की ज़रूरत है बेसिकली। इस वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि अगला जो क्या कौन क्लेम आइडिया कॉपीराइट को लेके जो अगला फीचर आने वाला है यूट्यूब फॉर द क्रिएटर्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 2 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, 200 सब्सक्राइबर्स पे अटका हूँ, थोड़ी दया कर लो मुझ पे। विद दैट बीइंग सेड, इट्स मी ऋषभ एंड आई एम साइनिंग।